सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा एक बारी फिर साडे इस चैनल PSPCL न्यूज़ ते। दोस्तों आज पंजाब सरकार दे पेंशनर्स लई एक बहुत वड्डी खबर सामने आ रही है। पंजाब सरकार वालों एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिस दे विच पंजाब सरकार दे रिटायर हुए कर्मचारियों दे उत्ते 6वें पे कमीशन नूं लागू करन बारे विस्तार दे विच हदायतां जारी कीतियां गईयां हन। दोस्तों पंजाब सरकार वालों दो वक्खो वक्खरियां नोटिफिकेशन जारी कीतियां गईयां हन। एक नोटिफिकेशन दे विच 1/1/2016 तों पहलां रिटायर हुए कर्मचारियों ते 6वें पे कमीशन नूं लागू करन बारे हदायतां जारी कीतियां गईयां हन अते दूजी नोटिफिकेशन दे विच 1/1/2016 तो बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों के उत्ते 6वें पे कमीशन नूं लागू करने बारे हदायतां जारी कीतियां गईयां हन। दोस्तों इस वीडियो दे विच आपां डिटेल दे विच दोनों ही नोटिफिकेशन दे बारे गल करांगे। दोस्तों इस वीडियो नूं शुरू करन तो पहला मैं तुहानूं एक गुजारिश करदा हां कि जेकर अजे तक तुसीं इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल नूं सबसक्राइब करो तां जो PSPCL बारे या पंजाब सरकार वालों जारी होर अपडेट्स बारे तुहानूं जानकारी मिलती रहे। चलो बिना होर टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो शुरू करते हाँ। दोस्तों सब तो पहला आप गल करते हाँ 1/1/2016 तो पहला रिटायर होने वाले कर्मचारियों के बारे। 1/1/2016 तो पहला रिटायर हुए कर्मचारियों के बारे सरकार वालों एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिस दे विच सरकार वालों 1/1/2016 तो पहला रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन रिवाइज करन दा फॉर्मूला सांझा किया गया है। इस फॉर्मूले दे बारे डिटेल दे विच गल आपां अगली वीडियो दे विच करांगे। इस वीडियो दे राही सिर्फ नोटिफिकेशन दे बेसिक पॉइंट्स नूं ही डिस्कस कर रहे हां। पंजाब सरकार दी इस नोटिफिकेशन दे विच 1/1/2016 तो पहला रिटायर हुए कर्मचारियों दे उपर 31/12/2015 दी जो बेसिक पेंशन है उस दे उत्ते 15% दा वाधा मिनिमम देन दी गरंटी कीती गई है। हालांकि सरकार वालों इस फार्मूले दे विच DA दा रेट 113% रख्या गया है जदके मुलाजम जथेबंदियां नाल पिछले दिनी हुई मीटिंग दे विच सरकार वालों 113 दी थां 119% DA देन दा वादा कीता गया सी। इस तो इलावा इस नोटिफिकेशन दे विच ओल्ड एज अलाउंस बारे लिखा गया है जो कि पहलां दी तरह ही मिलदा रहेगा। इस तो अगे लीव ट्रैवल कंसेशन या ट्रैवल अलाउंस जो कि रिटायरी कर्मचारियों नूं हर 2 साल बाद दिता जांदा है वह पहलां दी तरह ही दिता जाएगा। इस नोटिफिकेशन अनुसार जो 1/1/2016 नूं पेंशन रिवाइज होके बनती है वह घट्टो घट 15% दे वादे दे हिसाब नाल दित्ती जाएगी अते घट्टो घट पेंशन या फैमिली पेंशन 9,000 रुपए रखी गई है जो कि पहला 3,500 रुपए सी। 3,500 रुपए नूं 2.59 फैक्टर नाल अगर गुना करते हाँ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 9,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। 3,500 ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9,000 ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ 1/1/2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1/1/2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੌਤ 1/1/2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1/1/2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 1/1/2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਟਾਇਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 58 ਸਾਲ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 9,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਲਡ ਏਜ ਅਲਾਉਂਸ ਦੀ। ਓਲਡ ਏਜ ਅਲਾਉਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1/1/2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਓਲਡ ਏਜ ਅਲਾਉਂਸ 5% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 65 ਸਾਲ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 5%, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 10%, 75 ਸਾਲ ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 15%, 80 ਸਾਲ ਤੋਂ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 25%, 85 ਸਾਲ ਤੋਂ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 35%, 90 ਸਾਲ ਤੋਂ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 45%, 95 ਸਾਲ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੱਕ
55% अते 100 साल दी उमर हो जानते कर्मचारी नू 100% ओल्ड एज अलाउंस दिता जांदा है। इस तो अगे 1/1/2016 तो बाद रिटायर हुए कर्मचारियों दे बारे एक बहुत वड्डी खुशखबरी दी गल एह है कि 1/1/2016 तो बाद रिटायर हुए कर्मचारियों नू ग्रेच्युटी दी अदायगी पहलां नालों डबल अदायगी कीती जावेगी। पंजाब सरकार वल्लों मैक्सिमम ग्रेच्युटी दी लिमिट 10 लाख रुपए तो वधा के 20 लाख रुपए कीती गई है, जिस दा लाभ 1/1/2016 तो बाद रिटायर हुए हरेक कर्मचारी नू अते 1/1/2016 तो बाद जिस कर्मचारी दी मौत हो गई है उसके परिवारिक मैंबरां नू डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी जो कि पहलां वध तो वध 10 लाख रुपए दिती जांदी सी ओह हुण 20 लाख रुपए कर दिती गई है। इस वक्त आप गल करते हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की। दोस्तों पंजाब सरकार वालों पेंशन कम्यूट की जाती है, वह पहला 30% के हिसाब न पेंशन कम्यूट की जाती सी, जिसन कि हूँ इस नोटिफिकेशन के हिसाब न 30% तो वधा के 40% के हिसाब न कैलकुलेट किया जाएगा। हालांकि इसका लाभ पंजाब सरकार वालों 1/7/2021 तो बाद रिटायर हुए कर्मचारियों ही दिता जाएगा। इसे तरह ही पंजाब सरकार वालों इस नोटिफिकेशन दे विच एक्स ग्रेशिया ग्रांट दे विच भी वादा कीता गया है। एक्स ग्रेशिया ग्रांट जो कि पंजाब सरकार वालों किसी कर्मचारी की मौत हो जाते पहला 1 लाख रुपए दिती जाती सी ओ हुन 1 लाख रुपए तो वधा के 2 लाख रुपए दिती जाएगी। जेकर किसी कर्मचारी की मौत अपनी ड्यूटी दौरान किसी तरह के दंगे फसाद दौरान या टैररिस्ट अटैक कारण हुंदी है तो उसके परिवारिक मैंबरां नू 20 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया ग्रांट दिती जाएगी। जेकर पंजाब सरकार के किसी कर्मचारी का एक्सीडेंट हो जाते उसकी मौत हो जाती है जां ओह कर्मचारी 100% डिसेबल हो जाता है तो उसके परिवारिक मैंबरां नू 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया ग्रांट की अदायगी की जाएगी। इस एक्स ग्रेशिया ग्रांट के वाधे का लाभ भी 1/7/2021 तो बाद रिटायर हुए या 1/7/2021 तो बाद मृतक कर्मचारियों के परिवारिक मैंबरों नू दिता जाएगा। इस तो अगे इस नोटिफिकेशन दे विच कॉन्सटेंट अटेंडेंट अलाउंस बारे भी गल की गई है जो कि 6,750 रुपए प्रति महीना के हिसाब न किसी कर्मचारी नू दिता जाएगा, जिस दे लई 3 मुख शर्तां हन। पहली शर्त ओह कर्मचारी 100% डिसेबल होना चाहिए है। दूजी शर्त उस कर्मचारी वालों एक कॉन्सटेंट अटेंडेंट रखा जाना चाहिए है। तीजी शर्त उस रिटायरी कर्मचारी वालों 1 साल के विच घट्टो घट 3 महीने के लिए कॉन्सटेंट अटेंडेंट रखा गया होवे। तो दोस्तों ये 1/1/2016 तो बाद रिटायर हुए कर्मचारियों से 6वें पे कमीशन को लागू करने बारे कुछ हदायत। हालांकि इन नोटिफिकेशन के 1/1/2016 तो 30/6/2021 तक वधी हुई पेंशन का एरियर देने बारे कुछ भी स्पष्ट नहीं लिखा गया, परंतु 1/7/2021 तो बाद वधी हुई पेंशन का लाभ रिटायरी कर्मचारियों को कैश के रूप में दिता जाएगा। मैं उम्मीद करता हाँ कि इस वीडियो के विच दोनों तरह की नोटिफिकेशन के बारे तुम चंगी तरह समझ गए होवोगे और तुहानू यह वीडियो वधिया लगी होगी। वीडियो वधिया लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अगे अपने दोस्तों के नाल शेयर करो। जेकर इन दोहां नोटिफिकेशन बारे तुहाडे कुछ सवाल हन तां प्लीज़ सानू कमेंट सैक्शन दे विच पुछो। इस तरह दे होर अपडेट्स लैण दे लई साडे चैनल नू सबसक्राइब करो। मिलदे हां किसी अगली वीडियो दे विच, तद तक दे लई सत श्री अकाल।